साक्षर को आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। शुरू करते हैं आज के पांच बड़ी खबरों के साथ। वक्त है आज के पांच के पंच का। पांच के पंच में पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईडी गठबंधन वाले अपनी विरासत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए इन्हें अपने सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी वालों का एक ही फेवरेट कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पांच मिनट में दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के जन शहरों में सातवें मंगलवार को लोकसभा चुनाव वोटिंग है, यानी कि आज वहां तेज गर्मी रहेगी। दिन का टेम्परेचर 40 से 43 डिग्री के बीच रहने वाला है। भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, गुना, बैतूल, विदिशा और सागर में भी गर्मी के तेवर तीखे हैं। इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और छिंदवाड़ा, पांडुना समेत कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सोमवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। मुंबई ने 17 ओवर में 3 विकेट खोकर ही टारगेट को हासिल कर लिया। आज के पंच में चौथी खबर, जहां व्लादिमीर पुतिन आज पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होना है। यह सेरेमनी करीब 1 घंटे तक चलती है। रूस में 15-17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोल खातिरों को सिर्फ 4% वोट ही मिला। पांच के पंच में पांचवी और अंतिम खबर, जहां पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL इसी साल अगस्त में देश भर में 4G सर्विस शुरू करने वाली है। न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी सोमवार 6 मई को एक अधिकारी के हवाले से दी है। एजेंसी के अनुसार BSNL की सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहेगी। खबरों में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देख रहे हैं राजधानी लाइव।